स्वागत है। और जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, आज वही देखेंगे हम कि यूपी चुनाव की बात को लेकर जिस तरीके से पार्टी द्वारा जो काम किए गए हैं उसी को लेकर खोलेंगे उनके कई राज। तो पहले तो आप सभी दर्शकों का और जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आप दोनों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं वसीम खान जो कि जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं राहुल आम्बेडकर जो कि बीएसपी लीडर है। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। वसीम सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो लगातार भाजपा है वो समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के समय में पूरा राष्ट्र चरम पर था, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अहम मुद्दे पर चुनाव के समय में मैडम मैं कहती हूँ कि आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी ने गुंडा राजकर्म पर था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी सरकार जब उत्तर प्रदेश से 2012 से 2017 का जो कार्यकाल था उसमें महिलाओं के लिए सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और 102 नंबर एम्बुलेंस 100 नंबर गाड़ियां जो लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भाया डर है उस डर को खत्म करने के लिए जगह जगह चौक चौराहों पर समाजवादी पार्टी ने रुख किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अमेरिका की तर्ज पर 100 नंबर चलाने का काम किया। मैं बात बता दूं भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर गुंडागिरी का आरोप लगाती है उनका इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसानों के अत्याचार हैं, किसानों पर गाड़ी चला देते हैं और बाबा जी का बुलडोजर बहुत फेमस है, बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है लेकिन एक किसान का हत्यारा मंत्री का बेटा सरेआम किसानों पर जो लोकतंत्र के तहत अपना विरोध दर्ज कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अंदर अपना विरोध दर्ज करने का किसी को भी हक है। ये सरकारें तानाशाही से नहीं चलती है, सरकार जो गाड़ी चला देते और उस मंत्री का किसी भी तरह इंतजाम किया जाता गुंडों को संरक्षण देती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए मैंने एक बार और आपको बताया था जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है उस पर जो मुख्यमंत्री जी विराजमान है उनका आपराधिक इतिहास देख लीजिए और हमारे आदरणीय मुखिया समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए वो एक साफ स्वच्छ और वेदांत छवि के व्यक्ति है। तो आपने देखा है धार्मिक बातें करते हैं तो अभी मैंने पेपर में पढ़ा था आज माननीय राजनाथ सिंह जी एक बयान दे रहे थे कि हम एक नया भारत बनाने जा रहे हैं। ये कौन से नए भारत की बात करते हैं जहां एक दलित बेटी को बलात्कार करने के बाद उसको अंतिम संस्कार करने के लिए उसके घर वालों को नहीं सौंपा जाता है, हिंदू रीत रिवाज के अनुसार और बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता है, क्या यह नहीं यही नया भारत? जिस प्रदेश के अंदर गुंडे जो है गुंडे घूम रहे हो और बनाने वाले लोग जाते हैं यही नया भारत है, क्या यही नया भारत है कि लोग के जंगल से गुजरने के लिए अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, वो जानते हैं कि हम किसी शहर या गांव की गली से गुजरेंगे तो पता नहीं कब हमारा पेट चेक काट करके चेक कर लिया जाए कि इसने क्या खाया है। यही नया भारत है। अगर यही नया भारत है तो माफ कीजिए राजनाथ सिंह, हिंदुस्तान का व्यक्ति कुछ कोई भी इस नए भारत की परिकल्पना नहीं करता होगा कि ऐसा नया भारत हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल वसीम जी, लेकिन इस बीच हमारे साथ राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। सर आपका भी स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज में। राहुल सर मेरा आपसे सवाल है कि लगातार मायावती भी अब ग्राउंड पर उतर कर आ चुकी है लेकिन जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं भी फाइट में नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे कार्यक्रम में बुलाया है। मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं फाइट में नहीं दिख रही है
देखिए मीडिया जो है जो और मनुवादी मीडिया जो है उसके लिए बीएसपी के फैक्ट में नहीं दिखती है। 2007 की मैं आपको बात बताऊं, 2007 में भी जब मीडिया बीएसपी की केवल 30 से 32 सीटें दिखा रही थी और तीसरे नंबर की पार्टी बता रही थी, लेकिन चुनाव जब परिणाम आए तो सब बिल्कुल उल्टा हुआ। आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। तो ये केवल एक अफवाह रहती है जो बीएसपी को अफवाह का शिकार बनाने का वो रहता है कि बीएसपी में ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा, लेकिन असल में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है, वो कहीं भी नहीं हिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर किसी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा वोट बैंक यदि कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी का ही है। इसीलिए ये लोग हवा हवाई बातें करते हैं कि बहन जी कहीं देश में नहीं है। मैं अभी अलीगढ़ में ही हूँ, आज अलीगढ़ में माननीय बहन जी की रैली थी और आज पूरा अलीगढ़ अफवाहमय हो चुका है। आप यहाँ भी जाएंगे आपको यही यहाँ पे सुनने को मिलेगा कि यहाँ की माननीय बहन जी 2022 में पूर्ण बहुमत का सरकार में आ रहे। बिल्कुल सर, लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के अंदर कुछ रणनीति चल रही है, तो मैं भी ये जानना चाहूंगी कि क्या जो कहा जाता है कि बीएसपी पर उतर कर नहीं आती, क्या अंदर की राजनीति कुछ चल रही है? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैडम, आवाज बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। सर राहुल सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कहा जाता है कि जो बीएसपी फ्रंट फुट पर इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि अंदर की कुछ राजनीति चल रही है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, बीएसपी फ्रंट फुट पे देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव में सबसे पहले आप ये मानिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चलाया गया, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू किया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये लोग जो कह रहे हैं कि बीएसपी फ्रंट फुट पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख रही हैं सबसे पहले जब कोई भी राजनीतिक दल मैदान में नहीं था उससे पहले माननीय बहन जी के आदेश अनुसार श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पूर्वोत्तर प्रदेश में कर चुके थे। और आज भी माननीय बहन जी ने भी, आपको याद होगा शायद आगरा की रैली में माननीय बहन जी ने कहा था कि मैं करीब 2 साल से 1 साल से तो करीब मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हूँ। तो ये केवल कहने की बातें हैं कि माननीय बहन जी देश में नहीं है या फिर रणनीति नहीं है। माननीय बहन जी की रणनीति ये होगी कि आप 2022 में देखना बहुजन समाज पार्टी को बहुमत ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन राकेश सर मेरा आपसे भी सवाल है कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी चुनाव प्रचार कर रही है और जो उन्होंने स्लोगन भी दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये जो प्रियंका जी का स्लोगन था इस पे हम लोग ने 40% महिलाओं को जो है भागीदारी दिया उत्तर प्रदेश में, और 5 साल तक उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का काल था या भ्रष्टाचार हुआ चाहे ब्राह्मणों की हत्या हुई, हर मुद्दे पे जहां बीजेपी सरकार योगी की सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल रही उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही घेराबंदी किया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। मायावती जी की जहां तक बात है बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के बी टीम है, उसके पास ना कोई जनाधार है, वो दलित कार्ड खेल के सत्ता में आई लेकिन आज तो बी टीम है, आरएसएस के पीछे पर मोदी जी के पीछे घूम रही है। आज भी वो बीजेपी सरकार बनने के बाद वहां उनके जो भी सीट जीतेंगी तो भाजपा को मदद करेंगी, उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाएंगी। हम लोग तो जो है बिल्कुल बीजेपी से लड़ रहे हैं और सरकार बीजेपी के जो गलत सिस्टम है धर्म के आधार पर अब कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है उस मुद्दा पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में 403 सीट पे इस बार अपना उम्मीदवार को उतारे हुए है। हम लोग सभी गठबंधन की राजनीति में थे, इस बार हमने उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया है और कांग्रेस की ही उत्तर प्रदेश में समर्थन से सरकार बनेगा। दूसरा कोई पार्टी जो है समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग 5 साल तक ने कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में कोई सवाल नहीं उठाया, तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में है। अच्छा, लेकिन राहुल जी राकेश जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए कौन बी टीम है कौन ए टीम है उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है।
जो राकेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की बीपी मसल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक पापनाथ है और एक नागनाथ है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये कांग्रेस जो दलितों को अपना हितैषी जो बता रही है, हितैषी मान रही है, जरा इनसे पूछा जाए कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारत रत्न क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने आप लोगों ने लागू क्यों नहीं की? इसलिए उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस का खैर बिल्कुल फूट तो समाप्त हो चुकी है, इसलिए इनकी बातों में बिल्कुल भी मुझे दम नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बनाएगी और बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी तीनों के लिए बिल्कुल पीछे छोड़ के रख देगी। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर है, जिस तरह से चंद्रशेखर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है जो बहुजनों का वोट है वो उनकी तरफ खिसक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए दलित वोट जो है आज के डेट में दलित वोट जो ना चंद्रशेखर के साथ है ना बहुजन समाज पार्टी के साथ है, ये लोग ने तो हमेशा दलित को ठगने और छलने का काम किया। दलित उत्थान के लिए चाहे दलित के विकास के लिए जो भी पार्टी काम किया वो कांग्रेस किया। आजादी के बाद जब भी देश में कोई भी मुद्दा हुआ दलित के सवालों का, उसके उत्थान का, उसके विकास का, जो भी मुद्दा उठाया कांग्रेस उठाया। ये तो जो दलित मायावती जो है दलित कार्ड खेली, उनका विकास हो गया। आज देश में दूसरी पार्टी है सबसे पैसे के मामले में, लेकिन दलित का क्या विकास हुआ? मायावती के सर, मायावती हो चाहे आपके रामविलास जी हो, ईद ले लो दलित कार्ड खेलते हैं, दलित का विकास ही लोग नहीं करते, ये सिर्फ अपना विकास करते हैं और दलितों को मूर्ख बनाते हैं। दूसरी बात रही कि 5 साल में अगर भाजपा के साथ, योगी के साथ, चाहे भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, जो भी जिस तरह की घटनाएं घटी, इस पे तो कांग्रेस पार्टी ही खड़ा रहा। कहाँ था उस समय बहुजन समाज पार्टी या चाहे आपका समाजवादी पार्टी? कोई ना, अखिलेश यादव जी कहीं दिखाई दे रहे थे, ना मायावती दिखाई दी, जहां भी दिखाई दिया तो राहुल और प्रियंका दिखाई दिए। तो कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के और हर समाज के विकास के लिए कार्य करता है। आज देखिए ना कहीं रोजगार है, ना कहीं नौकरी है, युवा धरने पर बैठे हुए हैं, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसी का विकास है? तो भाजपा का कोई स्ट्रेंथ क्लियर है? 2010 व्यक्ति देश को चला रहे हैं। तो मोदी जी जो है, योगी जी आम जन की बात तो नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों की बात सुनते हैं। लेकिन राहुल जी, मेरा आपसे सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया उसका। हाँ मैम, राकेश जी बीच में बोल पड़े, जैसे राकेश जी अभी बता रहे थे कि मैम आपका सवाल का जवाब देता हूँ मैं कि चंद्रशेखर जो है जो दलित वोट बैंक है उसको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे मैम, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जानती है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के लिए, दलितों के लिए क्या किया है। माननीय बहन जी, चंद्रशेखर तो आप ये कह सकते हैं मैम कि चंद्रशेखर जब तक भीम आर्मी थी तब तक सपोर्ट था, लेकिन जब उन्होंने अपनी ही आजाद समाज पार्टी बना ली किसी दूसरे राजनीतिक दल के कहने पर, मैं सीधा सीधा कांग्रेस या बीजेपी इन दोनों के लिए इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, उन दोनों के कहने पर चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी बनाई। इसीलिए इस देश का दलित, उत्तर प्रदेश का दलित समाज जानता है कि, और अच्छे से जानता है कि माननीय बहन जी के साथ कौन खड़ा है और चंद्रशेखर के साथ कौन खड़ा है। आपसे सवाल है, अखिलेश जैन की जोड़ी खूब धमाल मचा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले भी हमने गठबंधन देखा है BSP का अखिलेश यादव जी के साथ, तो क्या लग रहा है कि इन दोनों की जोड़ी अब धमाल मचा पाएगी? मैडम, जो हमारी बहन बुआ जी हैं वो अवसरवादी हैं, उनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका था और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन देकर के उनके जनाधार को वापस लेके आई। मैं बता रहा हूं कि राहुल भाई को जिस तरह से लोकसभा में जितनी सीटें हैं उन सीटों पर सीमित रहने वाली है, और आप बात कर रहे हैं दलितों के उत्थान की, तो दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा उनके ख्याल को रखा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अभी अंबेडकर वाहिनी का एक निर्माण किया है जिसमें अंबेडकर विचारधारा के लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की बात करते हैं, लेकिन बहन मायावती जी जो हैं वो एक दलित की बेटी तो हैं, लेकिन दौलत से प्यार होने के बाद उनका जनाधार था
जो पिछली बार 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी, उसके बाद इनका जनाधार गिरता जा रहा है, पब्लिक जान चुकी है, दलित जान चुका है। रही बात जो हाथरस की बात अभी कर रहे थे राकेश कुमार सिंह जी, हाथरस में जब दलित बेटी पर बलात्कार हुआ था तो उस समय अगर सबसे पहले पहुंचने वाला कोई व्यक्ति था तो समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान मेरठ से पहुंचे थे सरना से, उन्होंने जाकर के वहां जो है धरना दिया, उसमें मैं भी शामिल था। हमारी समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के कई जो नेता थे उनको चोटें लगी थी और उसके बाद यह मामला हाईलाइट किया गया जब हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां लाठी खाई, दलित की आवाजों को उठाया, तब जाकर के जो है इसका राजनीतिकरण किया गया, तब ये लोग आए। हमने हमेशा दलितों के काम जो मुद्दों को उठाने का काम किया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर विचारधारा की कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की नहीं है, वो सर्व समाज की पार्टी है। और आप जयंत चौधरी जी की बात कर रही हैं, सिर्फ अगर लड़ाई उत्तर प्रदेश में किसी से है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी, इन दोनों के सामने जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इनका जनाधार उत्तर प्रदेश से खिसक चुका है, कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आपने ओपिनियन पोल दी, जो एग्जिट पोल आ रहे वो देख लीजिए, कहीं भी बसपा और कांग्रेस कहीं नहीं टिक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं ये सब फर्जी है, मैं आपको बता रहा हूं, अनुमानित पोल है, ये बिल्कुल झूठे साबित होंगे। और समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी जी और हमारे जितने भी छोटे सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर के 300 प्लस का आंकड़ा पार करेगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में एक ऐसे विकास पुरुष कुर्सी पर बैठेंगे जो सर्व समाज का ख्याल रखेंगे और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें सभी जातियों का ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं का खास सम्मान करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। लेकिन कहा जाता है कि अखिलेश यादव सिर्फ बहुजनों के वोटर को रिझाने के लिए समाजवाद और अंबेडकरवाद का सहारा ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुजन का यहाँ वोट की बात है ही नहीं। रात में जब दलित बेटी को वहां जलाया जा रहा था उस वक्त भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां के डीएम को फोन किया तो उस डीएम ने कहा मेरे ऊपर जो है एडीजी का प्रेशर है। तो बताइए, हमने तो हमेशा इन मुद्दों को उठाया है। वोट तो सब पार्टियां वोट चाहती हैं, लेकिन जनता के बीच में खड़े होकर के उनकी समस्याओं का निराकरण करके और अगर तब वोट के लिए जाया जाए तब ठीक होता है। उस वक्त भारत बहुजन समाज पार्टी किसी भी मुद्दे पर आगे नहीं आई। हाथरस बालिकांड पर बहन कुमारी मायावती जी को आगे आना चाहिए, बसपा को आगे आना चाहिए। जयंत चौधरी जी पर कितनी लाठियां पड़ी थी ये किसी से छिपी नहीं है। और जयंत चौधरी जी पे जो हाथरस कांड में लाठियां पड़ी वो एक एक लाठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पच व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखेड़ने में एक कील साबित होगा, ताबूत की कील बनेगा। एक एक लाठी का बदला लेने के लिए आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का समाज वह तैयार बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के इन कुंडों से बदला लेगा एक वोट डाल करके जयंत चौधरी पड़ी लाठी का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे सहयोगी दल सभी दल ऐसे हैं जो दलितों का खास ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं। शोभित नंबर डाल लिख रहे हैं कि कांग्रेस बीएसपी एसपी एक हो जाओ, बीजेपी को बाहर करो, तो इस पर क्या कहेंगे सर राहुल सर? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये वसीम खान जी जो अभी बहुजन समाज पार्टी पे इल्जाम लगा रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया था उसको क्यों फाड़ दिया था? दूसरी बात, माननीय बहन जी ने इस बहुजन समाज में हमारे महापुरुष जो जन्मे हैं उनके नाम पर माननीय बहन जी ने जो जिले बनाए, जो कस्बे बनाए, जो शहर बनाए, जो नए जिले बनाए थे, उनका नाम क्यों चेंज कर दिया गया था? इसका मुझे जवाब दीजिए वसीम खान जी। मैं आपको बताऊं, आपने धर्मेंद्र यादव जी का लोकसभा के अंदर जो है उनका भाषण सुनिएगा, उन्होंने वहां दलित और पिछड़े लोगों की आवाज को उठाया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुई थी उन पर सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ दलितों के पिछड़ों के हकों को मारा गया है, आपने शायद उसको नहीं सुना। और रही बात जिला बनाने की, मेरा जिला बहन जी के शासनकाल में बनाया गया था, लेकिन जिले की घोषणा कर देना सिर्फ इस तरह था कि जैसे बच्चा पैदा करने के बाद उसको अनाथ छोड़ दिया जाए, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया कराया गया, जिला कार्यालय नहीं बनाया गया, जेल का निर्माण नहीं कराया गया, पुलिस लाइन नहीं बनाई गई, सारे कार्य करने का काम आदरणीय बहन जी ने जिला तो बनाया,
लेकिन उसमें कोई काम नहीं कराया। सारे काम करने का जो इसका विकास कार्य करने का सारा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उसका कार्य सारा किया। और रही बात आप जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, नाम से इसमें कोई नहीं है, आदरणीय परम आदरणीय अंबेडकर साहब, परम पूज्य अंबेडकर साहब के लिए हमारी पार्टी हमेशा से श्रद्धा मानती है और आस्था जताती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आदरणीय लोहिया जी और परम श्रद्धेय आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर साहब के विचारों को लेकर के चलती है। हमारी दलितों से कोई भेदभाव नहीं है। और जो आप अभी कह दी साथ आने के लिए, तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है, उन्होंने तो कहा कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आइए। हमारी लड़ाई इस बार सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं है, सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस बार जो है वो बाबा साहब के लिखे हुए उस ग्रंथ को जिसका नाम संविधान है उसको बचाने की है। क्योंकि आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के लिखे हुए उसी वजह से बोल रहा हूँ, अन्यथा इस देश के अंदर हमें बोलने की अनुमति नहीं होती। अखिलेश यादव जी ने कहा कि सारे लोग साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कई जगह मध्य प्रदेश इसका फॉर एग्जाम्पल है, हमारी बहन जी ने दो बार कहा भी है कि अगर मुझे सपा को हराने के लिए भाजपा का समर्थन करना पड़े तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगी। भसीम भाई, आपने एक कहा सुना कि सपा को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करने के लिए, आपने कहीं सुना ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपके पास? अरे पूरा नाट्यक्रम आपने, मैंने आपसे ये पूछा लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने दलितों के लिए जो पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल था उसको क्यों फाड़ा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जिले के नाम क्यों चेंज किए, आपने इसका जवाब नहीं दिया। असल में तो ये है ज्योति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका अपना कोई वजूद नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को यदि कोई पार्टी आगे लेकर के जा रही है, और इस देश के अंदर यदि समतामूलक समाज की स्थापना करने की लड़ाई यदि कोई पार्टी लड़ रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने वाली ही बहुजन समाज पार्टी है, ये भी आपको पता होना चाहिए असीम खान जी। जी मैं आपको बता रहा हूँ जिले बनाने की, मैंने ये नहीं कहा कि जिला नहीं बनाया, लेकिन जिला बनाने से नहीं, सिर्फ कहने से नहीं, जमीन पर काम करने से काम होता है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछली बार जो सुनिए मेधावी बच्चों को लैपटॉप बांटे थे, उनमें किसी जाति मजहब का नहीं देखा गया। जिस बच्चा जो होनहार बच्चा था उसको लैपटॉप दिया गया, और एम्बुलेंस जो चलाई गई वो इसमें ये नहीं पूछा गया आप किस जाति किस मजहब से बात कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो विकास कार्य हैं वो सभी समाज के लिए हैं। हम समाज में भेदभाव नफरत पैदा करके समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती, सभी समाज को साथ लेकर के। समाजवाद का मतलब आदरणीय लोहिया जी के विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी, आदरणीय अंबेडकर साहब के विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। और ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन भी है कि जो लोग गरीब लोग हैं उनको किसान जो लोन ले लेता है सबको ब्याज मुक्त देंगे। यहाँ किसी को ये नहीं कहा कि किसी जाति या किसी विशेष लोगों को देंगे। आपने ये कहा देख लिया कि अंबेडकर समतामूलक समाज की स्थापना बहन जी के शासन में हुई क्या? अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है, जो दलित पिछड़े और वंचित लोगों का जो है बहुत खास ख्याल रखती है। ठीक है, इस बहस दिलचस्प हो, चलिए इसको भी आगे लेके चलते हैं। क्योंकि राकेश जी मेरा आपसे सवाल है, वसीम जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिख नहीं रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। वसीम जी जो कह रहे हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग 5 साल कहाँ थे? 5 साल तो इन लोगों कोई चर्चा नहीं थी। 5 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आज उसी के बदौलत तो हम 403 सीट से जीत रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ही इच्छा के अनुसार सरकार बनेगी। हम लोग बीजेपी के बी टीम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फाइट दे रहे हैं। और आम आदमी, आम जनता, महिलाओं, जो भी लोग है देश के, हर जो गरीब, जो हर वर्ग जो है, आज कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस के विषय में चिंता ना करें, वो अपने पार्टी के विषय में चिंता करें। कांग्रेस के ही सहयोग से कोई पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और कांग्रेस आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में हो रही है। 4 स्टेट तो हम जीत ही रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारी भागीदारी जो है सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं सर, तो क्या भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का?
राहुल गांधी के ही तो नेतृत्व में हम चार स्टेट को जीत रहे हैं और पांचवा स्टेट जो उत्तर प्रदेश में है प्रियंका गांधी जी को जवाबदेही दिया गया है और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी भी दिखाई देंगे। अभी चूंकि चार स्टेट जो है उसमें चुनाव में प्रचार में व्यस्त है प्रियंका जी के और बाकी सारे लीडर बघेल जी सभी लोग जो है हम लोग सभी लोग उत्तर प्रदेश में अपना जो है चुनावी एजेंडा को लेकर मैदान में है और इसी के कारण आज जो है वसीम जी हो आज चाहे जो लोग भी हैं उनको लग रहा है कि वो कमजोर हो रहे हैं। तो जो कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत बनेगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का सफाया हो जाएगा। अब राकेश जी इस देश के अंदर सपने देखने की सबको इजाजत है लेकिन वो दरअसल रात में देखे जाते हैं। अब नेतृत्व विहीन है, अभी कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कहा अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा होता, राहुल अम्बेडकर साहब भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर जब कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का नेतृत्व है वही नेतृत्व के मुखिया हैं कांग्रेस के तो उनको आना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं पांच साल तक समाजवादी पार्टी लगातार पांच साल तक जनता के मुद्दों को उठाती रही, आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सुबड़ा साफ करने में अगर कोई साबित हो रहा है कोई नहीं दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। आप लोग सिर्फ दिल्ली बैठकर ट्वीट करते रहे, वहां से सरकारें नहीं, वहां से आप किसी का विरोध दर्ज नहीं करा सकते। हाथरस पर जब मामला गर्म हो गया तो आप गाड़ी लेके आ जाते हैं, उसका रणनीतिक करने लगते हैं। आपको बैठ करके वहां बात करनी चाहिए, आपके कितने लोकसभा सांसद थे, आपको वहां विरोध दर्ज करना चाहिए था। चलिए ठीक है, इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी लोगों ने अपना पक्ष बेहतरीन तरीके से रखा, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में दो गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।